अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए सादिक साहब। हाँ खालिद भाई, जो शाहपुर जो नगर पालिका के जो एंट्री बोर्ड पे जो उर्दू का मसला चल रहा है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक चीज इसके बारे में है, आपको मैं आप बात करें बहुत खुशी हुई है। इससे पहले भी जब नया बस स्टैंड बना था उस वक्त भी हम लोग जो है उर्दू वहाँ पे नाम लगाना बोलकर हम जितने भी ये कांग्रेस के लीडर्स हैं ये लोगों को हम बोले थे जी। ताकि उनके एमएलए को जाकर उन्हें बोलेंगे बोलकर जी। उस वक्त भी जो है वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई जी। हमारे को अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी क्या है हम उस वक्त भी जो है एक काउंसलर नहीं थे वो नहीं थे बोलकर हम थोड़ा हमारा जो रिश्तेदार के तरफ हम भी नहीं है बोलकर जरा हम मायूस होकर थे जी। लेकिन जब उर्दू हमारा सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जब बोर्ड उर्दू डालने की बात आई उस वक्त हमारे को ये चीज सबसे पहले मालूम था। हम एजेंडा यही डालना बोलकर जीबी मीटिंग में जी। ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जब भी जीबी मीटिंग कॉल करते थे हमारा एजेंडा भी नहीं पूछते थे नो। हम मैं उनको पहली जीबी मीटिंग जब कॉल किए ऑलरेडी हमारे को एजेंडा देकर इन्होंने मीटिंग कॉल किए थे। उनको इल्म नहीं था इस चीज का कि काउंसलर्स को मीटिंग किस तरीके से बुलाते हैं बोलकर। उस वक्त मैं उनको चंद चीजें बता कर दिया, आप जब भी इसको मीटिंग कॉल करें तो हर मेंबर का इलेक्टेड मेंबर का आप उनके दो दो राय वहां पे लेना बोलकर। जब उन्होंने एमएलए से बात किया हो बोल रहे तो सही है बोलकर जब उन्होंने बोलने के बाद हमारे को नेक्स्ट मीटिंग में हमारे से पूछे क्या है बोलो बोलकर। अब तक ये बदकिस्मती है जो हमारे चेयरमैन साहब चेयरमैन बनने के बाद से सिर्फ दो मीटिंग कॉल कर करे उनकी कौन सा हो, एक जीबी मीटिंग है जो जनरल डिस्कशन हुई, एक मीटिंग हुआ खाली टैक्स के इसके बारे में हुआ, आज तक कोई दूसरी मीटिंग नहीं होकर है। ये हर महीना एक मीटिंग होना था, ये हमारे चेयरमैन साहब जो है इसको सीरियस नहीं लिए, ये पूरी कोताही की वजह से ये चीज होकर है। और दूसरी बात आप जो बोले जो उर्दू बोर्ड के ताल्लुक से कि उर्दू बोर्ड के बारे में मैं उनको बात कर कर था हमारे काउंसलर साहब सुनो साहब और मैं हम लोग बैठ कर जब बात किए थे लोगों का ये उर्दू के बारे में तो ऐसा बोर्ड डालना बोलकर जब हमारे को बहुत से आप जैसे लोग बहुत से लोग इसके बारे में बात किए थे तो हम राय रखे थे किस तरीके से हम कर सकते हैं बोलकर। जनरल बॉडी मीटिंग जब म्युनिसिपैलिटी में होती वो मीटिंग में एजेंडा रखकर वो एजेंडे पर हम लोग डिस्कशन कर जब एक पास करते हैं पूरे लोगों का साइड में लेकर तो वो पास हुआ तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये एंगल में हम लोग उनको बोल करते उन्होंने क्या करे ये बात तो नहीं ऐसा करे तो वो होता ये होता बोलकर अपने हिसाब से उन्होंने इसको करने के लिए गए। मेरे को मालूम था उनको मैं बोला भी अब उन्होंने हम जो भी बोलते हैं हमारे चेयरमैन साहब जो है उसको आपको नहीं मालूम बोलकर बहुत से कांग्रेस के लीडरों को भी इस तरीके से जवाब देती है। ये थोड़ा उनके ये थोड़ा सीरियस नहीं लेने की वजह से ये आज होकर है, लेकिन आपकी ये जो पहल है उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और ये उर्दू का बोर्ड डालने के लिए हम जब भी बस स्टैंड के ताल्लुक से भी हम उस वक्त भी थे और आने वाले दिनों में सीएमसी रहो चाहे जहाँ कहीं भी रहो उर्दू की तायद में हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह। एक चीज क्या है बोले तो हम ऐसे एजेंडे को हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाहते ताकि मुसलमान ऐसे गलत फहमी में आते हैं ये एसडी पे वाले अंगार लगाने वाले हैं भैया। हम क्या है पूरी कौम की जिम्मेदारी लेकर हम काम करना फिर लोगों की बदनामी हम लेना इस तरीके से हम थोड़ा सोच कर कदम उठा रहे बस। नहीं तो हम लोग ऐसे कम्युनिटी के इश्यूज को हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बनाए तो हमारा एक तहरीक है जी जी। अच्छा खालिद भाई, तो फिर अब आगे जो जैसे कि यादगीर में जैसे कि शोरापुर में जैसे गुलबर्ग में उर्दू को तो एक अच्छी समझ के उर्दू का एक नाम डालती गए, मगर शाहपुर में तकरीबन हर जगह यानी कि जो भी हो नगर पालिका हो या हर चीज जो भी हो वहाँ उर्दू के नाम में नजर नहीं आता। इसके वास्ते जो मैं बोला ना जी मगर नहीं नगर पालिका एक ही नहीं मगर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है वैसे इसमें भी उर्दू का नाम नजर नहीं आता। नहीं नहीं वो उसको थोड़ा स्टेट लेवल कर सकते लेकिन ये म्युनिसिपैलिटी का कैसा है हमारा शोरापुर में हम लोग देख करे शाहपुर में भी पुरानी जब इमारत थी बल्दिया की उस वक्त भी वहाँ पे उर्दू में बोर्ड था। ये फोटोज भी हैं उसके पुराने लोगों के पास बल्दिया के उर्दू में है तो फोटोज भी हैं तो वो रेफरेंस देकर हम डाल सकते हैं क्या भी बड़ा ये नहीं लेकिन एक एजेंडा रखकर पास भी कर करे तो बहुत बेहतर था वो थोड़ा होकर है। लेकिन हम इंशाल्लाह पूरे काउंसलर से और मैं भी इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से भी और एक मरतबा भी बात करता हूँ जिससे की इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने के लिए भी बोलता हूँ। आप लोग भी दबाव बनाए उनको चेयरमैन साहब को एक मीटिंग कॉल करेंगे इंशाल्लाह एक उसके ऊपर चर्चा कर क्या है आगे का कर करेंगे गैर कानूनी तरीके से नको कानूनी तरीके से जो हो सकता है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। जी 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 अच्छी बात ठीक अच्छी बात है सर जी ओके।